यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48। गोत्रों के भाग ये हो। उत्तर सिवान से लगा हुआ हेतलोन के मार्ग के पास से हमात की घाटी तक और दमिश्क के सिवान के पास के हसरेनान से उत्तर और हमात के पास तक एक भाग दान का हो और उसके पूर्वी ओर पश्चिमी सिवान भी हो। दान के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक आशेर का एक भाग हो। आशेर के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक नप्ताली का एक भाग हो। नप्ताली के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक मनश्शे का एक भाग। मनश्शे के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक एप्रेम का एक भाग हो। एप्रेम के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक रूबेन का एक भाग हो और रूबेन के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक यहूदा का एक भाग हो। यहूदा के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक वह अर्पण किया हुआ भाग हो जिसे तुम्हें अर्पण करना होगा। वह 25,000 बांस चौड़ा और पूर्व से पश्चिम तक किसी एक गोत्र के भाग के तुल्य लंबा हो और उसके बीच में पवित्र स्थान हो। जो भाग तुम्हें यहोवा को अर्पण करना होगा उसकी लंबाई 25,000 बांस और चौड़ाई 10,000 बांस की हो। यह अर्पण किया हुआ पवित्र भाग याजकों को मिले। वह उत्तर ओर 25,000 बांस लंबा, पश्चिम ओर 10,000 बांस चौड़ा, पूर्व ओर 10,000 बांस चौड़ा और दक्षिण ओर 25,000 बांस लंबा हो और उसके बीचों बीच यहोवा का पवित्र स्थान हो। यह विशेष पवित्र भाग सादोक की संतान के उन याजकों का हो जो मेरी आज्ञाओं को पालते रहे और इसराइलियों के भटक जाने के समय लेवियों की नाई न भटके थे। सो देश के अर्पण किए हुए भाग में से यह उनके लिए अर्पण किया हुआ भाग अर्थात परम पवित्र देश ठहरे और लेवियों के सिवान से लगा रहे और याजकों के सिवानों से लगा हुआ लेवियों का भाग हो। वह 25,000 बांस लंबा और 10,000 बांस चौड़ा हो। सारी लंबाई 25,000 बांस की और चौड़ाई 10,000 बांस की हो। वे उसमें से न तो कुछ बेचे न दूसरी भूमि से बदले और न भूमि की पहली उपज और किसी को दी जाए क्योंकि वह यहोवा के लिए पवित्र है। और चौड़ाई के 25,000 बांस के सामने जो 5,000 बांस रहेंगे वह नगर और बस्ती और चराई के लिए साधारण भाग हो और नगर उसके बीच में हो और नगर की यह माप हो अर्थात उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और 4,500 हाथ और नगर के पास उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चराइया हो जो 250-250 बांस चौड़ी हो। और अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास की लंबाई में से जो कुछ बचे अर्थात पूर्व और पश्चिम दोनों ओर 10-10 बांस जो अर्पण किए हुए भाग के पास हो उसकी उपज नगर में परिश्रम करने वालों के खाने के लिए हो। और इस्राएल के सारे गोत्रों में से जो नगर में परिश्रम करे वे उसकी खेती किया करे। सारा अर्पण किया हुआ भाग 25,000 बांस लंबा और 25,000 बांस चौड़ा हो। तुम्हें चौकोना पवित्र भाग अर्पण करना होगा जिसमें नगर की विशेष भूमि हो और जो भाग रह जाए वह प्रधान को मिले। पवित्र अर्पण किए हुए भाग की और नगर की विशेष भूमि की दोनों ओर अर्थात उनकी पूर्व और पश्चिम अलंगों के 25,000 बांस की चौड़ाई के पास जो और गोत्रों के भागों के पास रहे वह प्रधान को मिले। और अर्पण किया हुआ पवित्र भाग और भवन का पवित्र स्थान उसके बीच में हो। जो प्रधान का भाग होगा वह लेवियों के बीच और नगरों की विशेष भूमि हो। प्रधान का भाग यहूदा और बिन्यामिन के सिवान के बीच में हो। अन्य गोत्र के भाग इस प्रकार हो। पूर्व से पश्चिम तक बन्यामिन का एक भाग हो। बन्यामिन के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक शिमोन का एक भाग हो। शिमोन के सिवाने से
लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक इस्साकार का एक भाग। इस्साकार के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक जुबलून का एक भाग। जुबलून के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक गाद का एक भाग, और गाद के सिवान के पास दक्षिण ओर का सिवाना तामार से लेकर कादेश के मरीबोत नाम सोते तक और मिस्र के नाले और महासागर तक पहुंचे। जो देश तुम्हें इस्राएल के गोत्रों को बांटना होगा वह यही है, और उसके भाग भी यही है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। नगर के निकास ये हो, अर्थात उसकी अलंग जिसकी लंबाई 4,500 बांस की हो, उसमें तीन फाटक हो, अर्थात एक रूबेन का फाटक, एक यहूदा का फाटक और एक लेवी का फाटक हो, क्योंकि नगर के फाटकों के नाम इस्राएल के गोत्रों के नामों पर रखने होंगे। और पूरब की अलंग 4,500 पास लंबी हो, और उसमें तीन फाटक हो, अर्थात एक यूसुफ का फाटक, एक बिन्यामीन का और एक दान का फाटक हो। और दक्षिण की अलंग 4,500 पास लंबी हो, और उसमें तीन फाटक हो, अर्थात एक शिमोन का फाटक, एक इस्साकार का फाटक और एक जुबलून का फाटक हो। और पश्चिम की अलंग 4,500 बास लंबी हो, और उसमें तीन फाटक हो, अर्थात एक गाद का फाटक, एक आशेर का फाटक और नफ्ताली का फाटक हो। नगर की चारों अलंगों का घेरा 18,000 बांस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शामा रहेगा।